इंद्र गढ़ के मनमेल सरकार हनुमान मंदिर पर चल रही शिव महापुराण कथा के सप्तम दिवस में कथा व्यास आचार्य विनयकांत त्रिपाठी ने भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग का बहुत ही दिव्य वर्णन किया। द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ यह भी बताया। शिव महापुराण के सप्तम दिवस की कथा के अवसर पर पत्रकार शिव रमन सिंह कथा व्यास को अंगवस्त्र ओढ़कर उनका मालार्पण किया और व्यास जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकार सुरेंद्र श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, अनूप जाट ने भी कथा व्यास का मालार्पण कर आशीर्वाद लिया। कथा व्यास ने शिव महापुराण के विश्राम दिवस की कथा में भगवान महादेव के 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख किया और कथा व्यास ने बताया है कि महादेव के 10 अवतार हैं, उनके 10 शक्तियां हैं जिन्हें हम 10 महाविद्या कहते हैं, जो तांत्रिक शक्ति होती है, नवरात्र में जिनकी उपासना की जाती है। कथा व्यास ने बताया है कि भगवान शिव के 10 अवतारों की जो 2 शक्तियां हैं, जो हमारे दतिया में पीताम्बरा पीठ पर माता बगलामुखी और माता धूमावती के रूप में विराजमान है, ये दोनों शक्तियां 10 महाशक्तियों में आदि है। शिव महापुराण के विश्राम दिवस की कथा में आचार्य विनयकांत त्रिपाठी जी के पूज्य गुरुदेव एवं दादा आचार्य भागवत भूषण भागवताचार्य कृपाशंकर शास्त्री ने बताया है कि शीतलागंज में स्थित मनमेल सरकार का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। श्री हनुमान जी के साथ जो बटेश्वर महादेव विराजमान है बहुत शक्तिशाली है। इनके पास अगर कोई दुखी व्यक्ति बहुत पहुंच जाता है तो मनमेल सरकार उसके दुखों को दूर करते हैं। यह मनोकामना पूर्ण करने वाला शिवलिंग है। हनुमान जी और शिव अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तभी तो सभी इनको शंकर स्वयं केसरी नंदन कहते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। मनमेल सरकार के हनुमान जी कथा मंच से सभी श्रोताओं को आशीर्वाद देते हुए कथा व्यास ने कहा कि कथा का विश्राम हुआ है। इन 7 दिनों में जो भी प्रेरणा जी श्री हनुमान जी महाराज ने दी है वही सुनाई है और अपनी ओर से एक शब्द भी मेरा नहीं है कहने के दौरान जो भी भूल चूक हुई हनुमान जी महाराज माफ करेंगे। शिव रमन सिंह राठौर के।